हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, ये जो हमारा आसमान है इसे अंतरिक्ष भी कहते हैं, और हम इस अंतरिक्ष की तरफ जब देखते हैं तो खाली हमें एक दिन के समय सूरज नज़र आता है। ये जो सूरज है वास्तव में ये बहुत बड़े आकार का एक तारा है जो सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। इसका व्यास कोई 13,90,000 किलोमीटर के बराबर है, जो पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है। और बच्चों, जब हम रात को देखते हैं आसमान की तरफ तो हमें क्या नज़र आता है? चांद और तारे नज़र आते हैं। एक बात बताऊं, जानकर हैरानी तो होगी आपको, मगर ये सच है। इस अंतरिक्ष में न केवल चांद, तारे और सूरज है, हम भी इसी अंतरिक्ष में रहते हैं। बताऊं कैसे? देखो, हम रहते हैं पृथ्वी पर, और ये हमारी पृथ्वी है और ये अंतरिक्ष में है। हमारी पृथ्वी एक ग्रह है। अब ये ग्रह क्या होते हैं? सूर्य या किसी तारे के चारों ओर परिक्रमा यानी चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। और इस अंतरिक्ष में पृथ्वी की तरह 7 और भी ग्रह हैं, यानी ये कुल 8 ग्रह हैं जो क्रमवार इस प्रकार है। नंबर 1 पे आता है बुध यानी मरकरी। नंबर 2 पर आता है शुक्र यानी विनस, और शुक्र के बाद तीसरा ग्रह आता है हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद आता है चौथे नंबर पर मंगल ग्रह यानी मार्स, और नंबर 5 पे आता है बृहस्पति यानी जुपिटर, और नंबर 6 पे आता है सैटर्न यानी शनि, और नंबर 7 पे आता है अरुण यानी यूरेनस, और नंबर 8 पे आता है हमारा वरुण नेपच्यून। ये है कुछ बातें हमारे सौरमंडल की। और अधिक जानकारी पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।